हेलो अमेजिंग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज यार सैटरडे और मेरी छुट्टी है ऑब्वियसली, तो यार मैं कहीं पर जा रहा हूँ, ओंकारेश्वर जा रहा हूँ, जहाँ पर यार बीच में काफ़ी पहाड़ होने वाले, काफ़ी कुछ होने वाला है। और यार एक चीज़ और बता दो आपको कि जो एक्शन कैमरा था वो मैंने रिटर्न कर दिया, अमेजोन से मंगवाया था, क्योंकि मेरे को क्वालिटी उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, कुछ खास नहीं थी क्वालिटी, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न कर दिया है। तो मैं जल्दी एक्शन कैमरा, मैं सोच रहा हूँ कि यार गोप्रो लिया जाए। आज तो मैं मोबाइल से ही शूट करूंगा, दो मोबाइल होंगे क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास भी जो सैमसंग का मोबाइल है, एम आई डोंट नो कौन सा, बट उसका मैंने कैमरा क्वालिटी चेक की है, काफ़ी अच्छी है। और पहले भी आपने ब्लॉग्स में देखे थे वो क्वालिटी, तो आपको वही मिलने वाली है वापस से, और क्वालिटी तो यार नॉर्मल में अच्छी होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी फटाफट से यार मैं तैयार हूँ, तो अभी चलते हैं और आगे आपको बताता हूँ। सो गाइज वी आर रेडी, और यार 190 है, तो ट्रिप को सेट करके 0 कर देते हैं, 0। ट्रिप 2 और ट्रिप 1 तो इतनी है जितनी अभी तक बाइक चली है, 517 किलोमीटर, और ट्रिप 2 जो है 0। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी आज की। गाइज आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव एंड अब आफ्टर अ लॉन्ग हसल, यार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, हम पता नहीं मतलब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 20 या किलोमीटर कुछ और है। और यार यहाँ पर जो मौसम है ना, काफ़ी अच्छा, पेड़ ही पेड़ है, और सिर्फ ट्रैफिक के पेड़ है, ट्रैफिक के पेड़ है, और काफ़ी अच्छा मौसम भी है ऊपर। गाइज़ यहाँ पर जो ट्रैफिक है ना यार, काफ़ी ज़्यादा है। अभी जस्ट हम रुके थे यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट करने के लिए, तभी यार मतलब यहाँ पर ट्रैफिक लग गया था। वैसे तो हम साइड में, हमारी वजह से नहीं लगा, बट इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जस्ट ट्रैफिक लग गया। और जगह यार आसपास देखो आप, काफ़ी मस्त जगह है यार, और पूरा व्यू आपको मिलेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। गाइज यहाँ पर जो है नर्मदा लाइन जा रही है, जो कि इंदौर में जा रही है, यहाँ पर नर्मदा नदी से ओंकारेश्वर से। सो गाइज जस्ट लुक एट दिस, द व्यू इज रियली अमेजिंग, और ये पहाड़, और इधर से जो है जो लाइक पाइपलाइन जो जा रही है, यह सेंधवा या से जा रही है इंदौर, जो कि नर्मदा नदी का पानी जाता है पूरे इंदौर में, उज्जैन में, और काफ़ी जगह। बट द व्यू इज़ रियली ऑसम यार, जस्ट लुक द व्यू, एंड यार आप इमेजिन नहीं कर सकते, बाहर बादल लाइक बहुत नीचे दिख रहे हैं।
सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन और ओंकारेश्वर ये गेट आ चुके हैं, बस स्टैंड है यहाँ पर। और अंदर से जो है काफ़ी चीज़ें जो आपको मैं बताने वाला हूँ आगे, बट अभी जो है यहाँ पर किलोमीटर में देख रहा हूँ, ट्रिप लगा के रखी थी सो 91 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम आ चुके हैं, और थोड़ा बहुत एक दो आगे पीछे, मतलब 90 किलोमीटर यार इंदौर से मेरे रूम से यह जगह। सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड टू आवर डेस्टिनेशन और जो व्यू है, जो जगह है, काफ़ी ऑसम है। पीछे आपको डैम दिख ही रहा होगा, बाकी ये नदी भी है। यहाँ पर थोड़ा पानी ज़रूर कम है, बट डैम के पीछे जाके भी मैं आपको ट्राई करूँगा दिखाने की, बट इस व्लॉग में नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। ये रास्ते का व्लॉग था जो कि यार मतलब काफ़ी ऑसम था, और यहाँ का व्लॉग अलग आएगा जो कि और भी ज़्यादा ऑसम होगा, कल मिलेगा आपको। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने यहाँ तक देखा व्लॉग, उसके लिए थैंक यू सो मच के बाय।